तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है, या यूं कहें कि स्टालिन के बयान के बाद केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। प्रदेश के कद्दावर नेता अनिल विज ने स्टालिन के बयान के बहाने विपक्ष इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है, साथ ही विपक्ष के नेताओं को नसीहत भी दी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि खुद भी एक संवैधानिक पद पर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दिया है। उनको शायद अल्प ज्ञान है, उनको मालूम नहीं कि सनातन वो होता है जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सनातन चिरकालिक होता है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन की प्रशंसा करते हुए अनिल विज ने इसे देश के हित में बताया, साथ ही एक साथ चुनाव होने से सरकारी खर्चा बचने का भी दावा किया। देखिए, अब क्या होता है ये तो पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता और केवल क्यास लगाए जा रहे हैं, परंतु अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा तो सरकारी खर्चा बचता है, उसके अतिरिक्त जो सारा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुके रहते हैं, उन कामों में गति आएगी, देश और ज़्यादा गति से आगे बढ़ेगा और 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का सपना है वो और जल्दी साकार हो। वहीं देश में पहली बार हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर गृह मंत्री ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त की बात कही। पूरी सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है, कई बार फैसले कर ली गई हैं और बहुत अच्छा आतिथ्य उनको दिया गया। संसद के विशेष सत्र बुलाने पर विपक्ष के सवाल उठाने पर भी अनिल विज ने जमकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष का तो मुझको लगता है बुद्धि का दिवाला पिट गया। कोरोना में जहां एक तरफ तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में सेशन कैसे बुला लिया जाता, कैसे बुला लेंगे, और कौन सा स्पेशल सेशन पहली बार बुलाया जा रहा है ये बताएं ना, क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाता। कोई विषय होते हैं और ये प्रजातंत्र की जो बहुत अच्छी परंपरा है कि उनको ऑर्डिनेंसों के माध्यम से जारी ना करके और सेशन बुलाया जाता है, और ये प्रजातंत्र में सारे मुद्दे चर्चा के बाद ही पास होते हैं। गृह मंत्री अनिल विज बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अनिल विज के बयानों पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है। अंबाला से नरेश सैनी, सूर्या समाचार।